लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में सरैया मोहल्ले में बच्चों की मौत के मामले को लेकर 12 टीमों द्वारा 472 घरों का सर्वे किया गया। इस दौरान बुखार में 9 बच्चे ग्रस्त पाए गए, वहीं 76 बच्चों का वैक्सीनेटेड भी कर दिया गया है। वहीं 61 सैंपल इस दौरान लिए गए हैं, जिसका में पता चला है कि 5 से 3 बच्चों को डायरिया का बुखार है। इस दौरान कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और वह क्षेत्र का लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं। इस दौरान मौत के पीछे जो भी मुख्य कारण होगा उसका हल निकाला जाएगा। वहीं दूषित पानी पीने के चलते बच्चों की मौत का मामला यह सामने आया है, जिसकी जांच आने वाले दिनों में की जाएगी। और थोड़ा साफ सफाई रखो भैया, साफ सफाई रखो घर पे, साफ सफाई रखिए घर में, तो सफाई रखो बाहर, तो चलो हमारे भाई जिम्मेदारी घर में तो अपने आप पर ही सफाई करोगे ना, तो सफाई रखो भैया, भाई जमादार का घर में थोड़ी जा रही है। नहीं नहीं नहीं, दाने तो नहीं है। हेलो, हाँ ठीक है। जो बातें अभी हमारे एडिशनल सीएमओ साहब ने कही है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ के मस्जिदों के इमामों से ये बात कहेंगे कि वो जुमे में या और उसके अलावा लोगों से ये कहें। वैसे भी हमारे धर्म इस्लाम में पाकी और सफाई इस पर बहुत ध्यान दिया गया है, और ये बात भी सही है कि अगर इंसान सेहतमंद हो तो उसकी हिफाजत की जाए और बीमारी हो तो उसका इलाज किया जाए। इसलिए हम सब इलाज भी करें, इलाज करना भी सुन्नत है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और परहेज करना भी सुन्नत है। ख़ास बात जो पानी को लेकर आपने कही है, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने भी कहा है ईओ साहब से, मैं भी ईओ साहब से और अपने चेयरमैन साहब से कहूँगा कि पानी की सफाई का विशेष ध्यान रखें, ताकि ये घरों में अच्छा पानी पहुँचे, ताकि ये जो बीमारियाँ हैं ये ख़त्म हों। बेसिकली आप सभी लोगों को एक हमने मीटिंग इस उद्देश्य से रखी है कि जो इस गाँव में डेथ्स हुई हैं उनके कारण जानने की कोशिश मैंने की, इसलिए आप लोगों को मैंने कष्ट दिया कि आप लोगों के साथ बैठ के वार्ता की जाए कि यहाँ पे किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो हमने ये पाया कि जो पब्लिक के द्वारा मुझे बताया गया कि यहाँ की पाइपलाइन फूटी हुई है और पीने का पानी गंदा आ रहा है, तो उस संदर्भ में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि एक तो पानी जो पीने का है वो उबाल के ही पिए, पानी उबाल लें फिर उसे ठंडा लेने दें, जो ठहर जाए उसे छान के और तब साफ पानी पिएं, और वही कुकिंग के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी उस पानी का इस्तेमाल करें। साफ़ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें और इस तरीके की चीज़ें आगे ना बढ़ें। इसके संदर्भ में मैं नगर पालिका ईओ से भी वार्ता की है, संभवतः जल्द ही इस चीज़ को नियंत्रित कर लिया जाएगा। और बाकी अन्य बीमारी को लिए भी, जैसे टीकाकरण है, विटामिन ए है, और गर्भवती माताओं को टीके लगते हैं, और टीवी के प्रोग्राम की जो 2 सप्ताह से अधिक खांसी या बलगम आता है, ऐसे मरीजों को भी आप पब्लिक को जागरूक कर सकते हैं अपनी मस्जिदों से, जो हम लोग ऐलान करके अगर कोई कैंप डेट फिक्स करते हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पे टीम भेजकर उस दिन स्क्रीनिंग कैंप लगवा देंगे, ताकि किसी भी तरीके से हम जनता का फ़ायदा कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ की पब्लिक को भी वो सभी सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा मिले जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं, कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए, कोई भी टीबी का मरीज बगैर दवाई के ना रहे, जो उसे चीज़ें मिलती हैं पोषण योजना के अंतर्गत वो भी उसे मिले, और इस तरीके से सभी लोग अमन और चैन हमारे समाज में बना रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। इमाम साहब से मैं दरख्वास्त यही करूँगा कि आगे आप हमारी इस चीज़ को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास जारी करेंगे। थैंक यू, प्रयास करूँगा इंशाल्लाह।